हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडर डॉट कॉम। तो आज हम बात करने वाले हैं IBPS PO 2017 के बारे में। इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो सब कुछ जो जानना जरूरी है IBPS PO के बारे में, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेंट्स क्या है इस वीडियो के, तो एक तो मैं एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूँ ताकि आप डेट कोई मिस ना कर दें एप्लीकेशन की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, तो कट ऑफ्स क्या रही हैं पिछले साल की, सिलेबस बताऊंगा और प्रीवियस पेपर्स भी शेयर करूंगा, और रिकमेंडेशन क्या है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, कोर्सेज के रिगार्डिंग, ये सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। सबसे पहले बता दूं कि IBPS PU का जो एग्जाम है, 2017 का जो एग्जाम है, ये तीन स्टेजेस में होने वाला है। तीन स्टेज होंगे, एक तो प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस होगा और तीसरा इंटरव्यू होगा। पहला स्टेज प्रीलिम्स, दूसरा स्टेज मेंस और तीसरा स्टेज इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, सब ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, प्रीलिम्स भी ऑब्जेक्टिव है, मेंस भी ऑब्जेक्टिव है, अगर आप प्रीलिम्स का पेपर क्लियर नहीं करते तो आपको मेंस का पेपर देने का परमिशन नहीं मिलेगा, आप अलाउड नहीं हो मेंस का पेपर देने के लिए। प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो मेंस तक पहुंचोगे और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इन मेंस में जितने लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया है वो सब इंटरव्यू लेवल तक जाएंगे, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स तो एक मेंस का एग्जाम देने का एक गेट है, ये पास हो जाएगा तो फिर मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है। और जो फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ बनती है, उसमें जो मेंस है 80% वेटेज उसका रहता है और 20% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का रहता है, जो फाइनल कट ऑफ बनती है। ये जो फाइनल कट ऑफ बनेगी 80% मेंस एग्जाम, 20% इंटरव्यू। तो ये बेसिक एक एग्जाम फेज है। तो रिजल्ट तो चलिए IBPS अपना जो कैलेंडर है, एग्जाम का जो कैलेंडर है, अभी एग्जाम कब होगा, कौन से एग्जाम की डेट क्या है, उससे 2-4-5 दिन आगे पीछे ये डेट्स बिल्कुल सही होती हैं। जो IBPS का कैलेंडर है, जो कैलेंडर है, ये मैं नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूं। तो प्लीज सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक बैंक एग्जाम टुडे के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे यहां एक लिंक होगा सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद आगे बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है उनकी डेट्स ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, 7-10, 8-10, 14-10, 15-10। अक्टूबर के महीने में प्रिलिम्स का एग्जाम होगा और नवम्बर के महीने में मेन्स का एग्जाम होगा। तो एज का रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इसका जो फॉर्म है वो कौन से महीने में आता है। नॉर्मली जुलाई के महीने में इसके जो एप्लीकेशन डेट्स हैं वो होती हैं, जुलाई 2017 में जो है इसका फॉर्म निकल जाएगा एंड आपको अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो एक जुलाई 2017 को आपकी एज मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। अगर आप SC कोटा, अगर आपके पास SC ST OBC कुछ कोटा है तो उनका एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST को 5-5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है, तो ऐसे एज रिलैक्सेशन मिलता है। एंड सेकेंडली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हमारी, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, SBI में कर सकते हैं लेकिन IBPS में आपके पास ऑलरेडी डिग्री होना ज़रूरी है। डिग्री नहीं तो आपका रिजल्ट निकल जाना चाहिए, 1 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो ग्रेजुएशन जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, UGC रिकॉग्नाइज्ड, और जो यूनिवर्सिटी है वो UGC से रिकॉग्नाइज्ड हो, AICTE या UGC सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, ऐसी यूनिवर्सिटी से। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डिग्री यहां पे नहीं एक्सेप्ट की जाएगी।
आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। प्रीलिम का क्या एग्जाम पैटर्न है, फिर उसके बाद बात करेंगे मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें तीन सेक्शन होते हैं। पहली बात तो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, 5 ऑप्शन होते हैं और 5 में से एक आंसर आपको सही सेलेक्ट करना होता है, और नेगेटिव मार्किंग है। सही आंसर करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, गलत आंसर करेंगे तो 0.25 मार्क है जो वो कट जाएगा। 100 मार्क है, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। 1 घंटे का एग्जाम है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, पूरा 1 घंटे में आपको ये पेपर करना है। जो इंग्लिश है 30 मार्क इंग्लिश में, उसके बाद 35 मार्क का क्वांट है और 35 मार्क का रीजनिंग एबिलिटी है। इंग्लिश में वही अभी मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। 30 मार्क में से इंग्लिश में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है 10 मार्क का, जिसके अंदर थीम्स पूछे जाते हैं, जिसके अंदर वो कैब होती है, बाकी एरर स्पॉटिंग होती है, जिसमें आपको 10 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको बताना होता है कि कौन कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। बाकी जो 10 मार्क हैं वो क्लोज टेस्ट आ जाते हैं, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं वो सब आ जाते हैं, कई बार पैरा जंबल्स आ जाते हैं या फ्रेज रिप्लेसमेंट आ जाता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है बैंक एग्जाम स्टडी के चैनल पे, जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये पूरी बात है इंग्लिश सेक्शन के बारे में। और अगर क्यूटी की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स वाले जहां हम लोग क्यूटी कहते हैं, क्यूटी में डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 सेट डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं, 10 से 15 मार्क जिसे कह सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है। उसके बाद इसमें एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शंस, टाइम एंड वर्क, ये सब चैप्टर मिला करके 35 मार्क बनते हैं। मेन जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन है, और 5 मार्क का नंबर सीरीज हर बार आता ही आता है। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क तो डेटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज के हो जाते हैं, और बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, टाइम एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। 10th लेवल का मैथ्स आता है, SSC में 12th लेवल का आता है, लेकिन IBPS में 10th लेवल तक का ही मैथ्स आता है। ये होगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में आती हैं पजल्स, ज्यादा 5 से 10 मार्क की पजल्स आती हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आता है पजल में, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो ये जान लीजिए कि पजल में 8 लोग बैठे हैं, ए जो है वो एक डॉक्टर है, ए की वाइफ सी है, उसके बाद एंड में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और साथ में सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर टेबल पे लोग बैठे हैं, तो वैसे ही पजल, एक सिटिंग अरेंजमेंट भी एक टाइप की पजल ही है। 15 से 20 मार्क का सेटिंग अरेंजमेंट और पजल आता है। फिर इसमें इनइक्वालिटीज होते हैं, इनइक्वालिटीज के आगे हम बात करें तो इसमें भी सीरीज आता है, अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाता है इसमें। इसमें सालॉग आते हैं, और इसमें आप बात कीजिए ब्लड रिलेशन के चैप्टर होता है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स। तो ये इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस इन 3 सेक्शंस का ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप प्री में क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 में आपको बता चुका हूं, 1 मार्क सही मार्क सही आंसर का मिलेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है, 50 मार्क्स जो है वो रीजनिंग को जाते हैं, 50 QT को जाते हैं, 40 इंग्लिश, 40 जनरल अवेयरनेस और 20 कंप्यूटर नॉलेज। तो अगर बात करूं मैं सिलेबस की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, इनके सिलेबस में पहले जैसे मैंने प्रीलिम्स का बताया है सिलेबस बिल्कुल सेम है। इंग्लिश में बस इतना है पैरा जंबल्स आ जाते हैं, वोकैब थोड़ी डिफिकल्ट आ जाती है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करें हम जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस का अभी मैं थोड़ा सिलेबस जो है शेयर करने वाला हूँ, मेन मेन टॉपिक जो आते हैं वो मैं शेयर करने वाला हूँ, वही नॉर्मल करंट अफेयर्स आते हैं,
इंडिया का जो रैंक है वेरियस डेवलपमेंट इंडेक्सेस में वो आता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में आता है, बैंकिंग के बारे में बहुत आता है, क्योंकि सेक्शन का नाम ही जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग है। 20 मार्क का 20 नंबर जो हैं, 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्यूटर अवेयरनेस के हैं। टोटल 200 मार्क का पेपर है ये, 140 मिनट का पेपर है, फिर से 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इस पेपर में सेक्शनल टाइमिंग है, अगर रीजनिंग का पेपर आपने स्टार्ट किया तो 40 मिनट बाद वो अगला सेक्शन अपने आप आ जाएगा, वो सेक्शन बंद हो जाएगा। इंग्लिश का आधे घंटे का ऐसे ही, 40 मिनट का QT, 20 मिनट का जनरल अवेयरनेस और 10 मिनट में कंप्यूटर नॉलेज। अगर आप 10 मिनट में ये 20 क्वेश्चन नहीं करते हैं तो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन अपने आप ही बंद हो जाएगा। अगर 10 मिनट में आप 11वें क्वेश्चन पे हैं तो आपको बाकी के 9 क्वेश्चन देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो पिछले साल की कट ऑफ की बात करते हैं, 2016 में क्या कट ऑफ गई थी प्री एग्जाम की। जो प्री एग्जाम था उसमें जनरल का कट ऑफ जो था, अगर मैं बात करूं जनरल के कट ऑफ की बात करूं, 7 था कट ऑफ आउट ऑफ 30 इंग्लिश में। अगर टोटल जो था 47.5 कट ऑफ गया था जनरल का। ओबीसी में और जनरल के कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1 मार्क का डिफरेंस था, लेकिन एसटी का कट ऑफ बहुत कम जाता है और विजुअल इम्पेयर्ड के बराबर ही कट ऑफ है। विजुअल इम्पेयर्ड का थोड़ा सा ज्यादा है कट ऑफ एसटी से, बट दिस इज हाउ इट इज। तो चलिए, 47.5 कट ऑफ है, कुछ ज्यादा नहीं है, 100 में से 47.5 मार्क लेकर आने हैं प्री में। इंग्लिश लैंग्वेज का 7 का कट ऑफ था, 8.5 8.75 जो है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। नॉर्मली जो है कट ऑफ रीजनिंग का कई बार 10 भी जा सकता है। अगर 2017 की बात करें, अगर पेपर का लेवल यही रहा जो पिछले 2 सालों से यही चलता रहा है, तो अगले साल जो है इस साल जो कट ऑफ है वो 50 से 53 जाने की संभावना है। बाकी इनकी मुझे कुछ आइडिया रहता नहीं है क्योंकि ये बहुत वेरी करता है, बाकी कोटा जो है उनका कट ऑफ बहुत वेरी करता है, कुछ प्रिडिक्शन नहीं रहती, कुछ आइडिया नहीं रहता। लेकिन जनरल का कट ऑफ थोड़ा 2-3 मार्क इस बार ऊपर जाएगा, क्योंकि SBI PU का भी कट ऑफ ऊपर गया है प्री का, तो इसका भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 50 से 53 जाएगा 100 में से। तो चलिए पीओ मेंस की बात करते हैं, IBPS पीओ मेंस की 2016 की कट ऑफ की बात करते हैं। इसका जो फाइनल कट ऑफ था वो गया था 52.5। बहुत ही, अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, 200 क्वेश्चन से 200 मार्क्स से 140 मिनट दिए गए थे, लेकिन जबकि कट ऑफ देखिए सिर्फ 52.5 गई है ये, लेकिन फाइनल कट ऑफ है, मैं पहले बता रहा हूं ये फाइनल कट ऑफ है। तो देखिए 50 में से 5.25 जो है सेक्शनल कट ऑफ, इंग्लिश की 4.75, कंप्यूटर नॉलेज की कट ऑफ हर बार ज्यादा जाती है क्योंकि कंप्यूटर का पेपर बहुत आसान आता है, आपसे पूछा जाता है कि पेस्ट कट का जो है, सिलेक्ट और कट का जो शॉर्टकट होता है वो क्या है, कॉपी का शॉर्टकट क्या है, तो ऐसे ऐसे शॉर्टकट कीज के बारे में पूछा जाता है, जो कॉमन रैंसमवेयर जैसे वानाक्राई आया था अभी उसका नाम पूछ लेंगे, ऐसे बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है आजकल बहुत टेक सेवी हो गए हैं, तो इसका जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ इतना ज्यादा जाता है कंपेरेटिवली बाकी के सेक्शन से। जनरल अवेयरनेस का भी थोड़ा कट ऑफ है, थोड़ा ज्यादा जाता है, लेकिन इस बार रीजनिंग का पेपर थोड़ा टफ आया था इसलिए उसका जो कट ऑफ है वो काफी कम रहा था, वो सेक्शनल कट ऑफ काफी कम कम रहा था। और इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो कम ही रहता है क्योंकि बहुत सारे बैकवर्ड एरिया हैं इंडिया में जहाँ से स्टूडेंट जो पेपर देते हैं तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, इसलिए ओवरऑल कट ऑफ जो है इसकी वजह से थोड़ा कम ही रहता है इंग्लिश का। तो बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की, ये थे ओवरऑल कट ऑफ हमारे, बहुत ही कम ओवरऑल कट ऑफ गया था 52.5। इस साल संभावना है कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि पिछली बार पेपर बहुत टफ आया था, प्री का पेपर जितना आसान था मेंस का पेपर उतना ही टफ था। चलिए बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस थोड़ा बहुत तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। जो सेटिंग अरेंजमेंट है, एक या दो सेट तो आने आने हैं, तो इसका आप लगा लीजिए 5 से 10 मार्क का सेटिंग अरेंजमेंट जो है, अगर दो सेट आए तो 10 मार्क, एक सेट आया तो 5 मार्क, तो यहां पे गया।
और उसके बाद पजल जो है, नॉर्मली 2 पजल, 2 से 3 पजल्स आ जाती हैं। ये प्री की बात कर रहे हैं हम। सिटिंग अरेंजमेंट की मैंने एक वर्कबुक बनाई हुई है, पीडीएफ बनाई हुई है, जिसका लिंक, पूरी वर्कबुक जिसमें पूरे हमने 70 सेट बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, फ्री की है, डाउनलोड कर लीजिए। और पजल्स जो है, पजल्स की भी मैंने एक वर्कबुक बनाई है, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। ये हो गया, ये हो गया। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है पेपर में। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वैसे तो बोल देता हूँ, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो कोडिंग डिकोडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। बट इसके नोट्स मैं बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अगर बाकी का पेपर कई बार टफ डाल देते हैं और सिर्फ एक दो चैप्टर, एक दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत आसान डाल दिए जाते हैं। तो अभी बात करते हैं इन इक्वालिटीज की। सबसे पहले इनपुट आउटपुट से पहले मैं इन इक्वालिटीज की बात करूंगा। इन इक्वालिटी की बात करते हैं, इसका मैंने एक बहुत अच्छा टेक्निक शेयर किया हुआ है बैंक एग्जाम स्टडी पे, उसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। इसके कई बार 5 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। और अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें तो प्री में भी आ जाता है और मेंस में भी आता है, क्यूटी में भी नंबर सीरीज है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल बेस्ड सीरीज आती है। अगर आते हैं तो 5 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ब्लड रिलेशन की बात करें, सबसे आसान अगर कुछ दो टॉपिक अगर मुझे आप कहें पिक करने को, पहला ब्लड रिलेशन है, दूसरा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस है। सबसे आसान, सबसे आसान। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये बिल्कुल आता होगा। अगर आप बिना तैयारी के भी जाएंगे, ब्लड रिलेशन और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। रैंकिंग या डायरेक्शन, सबसे सबसे आसान भी डायरेक्शन सेंस में यही होता है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, 10 किलोमीटर आगे गए, फिर लेफ्ट मुड़ गए, फिर राइट मुड़ गए, अब अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वहां से और यहाँ का क्या कहते हैं डिस्टेंस कितना है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। साइलॉग की बात करें, बहुत आप कह लीजिए है तो वैसे रिवर्स साइलॉग का आजकल पेपर में आता है, मेंस के एग्जाम में रिवर्स साइलॉजिज्म बहुत आते हैं, तो नॉर्मल साइलॉग तो करना बहुत आसान है, लेकिन अगर रिवर्स की बात करें तो थोड़ा सा आप कह लीजिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन मैं शेयर करने वाला हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रिवर्स साइलॉग की जो वीडियो है वो मैं शेयर करने वाला हूँ आने वाले 2-3 दिनों में। डेटा सफिशियंसी बहुत ही मेरा पर्सनली फेवरेट ये टॉपिक है, डेटा सफिशियंसी का। इसमें क्या है, आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस डेटा से, कि क्या मैं इस गिवन डेटा से मैं जो क्वेश्चंस है उसका आंसर दे सकता हूं या नहीं दे सकता। बाकी बहुत टाइप के क्वेश्चंस मिसलेनियस में आप कह लीजिए, जो क्लॉक्स के आ जाते हैं, कैलेंडर बेस्ड आ जाता है, अभी 4 जून 1982 को क्या डेट थी, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्यूटी की बात करें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो वैल्यू है इसकी बैंकिंग के एग्जाम्स में 10 से 15 मार्क का ये हर पेपर में, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की करें, मेंस में तो ज्यादा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो प्री में तो थोड़ा सा सिंपल रहता है, इतना सिंपल नहीं रहता, लेकिन मेंस में काफी डिफिकल्ट हो जाता है, टेबुलर बेस्ड आता है। अगर आप सिंपल आरएस अग्रवाल वगैरह की बुक पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको सिंपल से एक सिंगल सिंगल ग्राफ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है, डबल डायग्राम क्वेश्चंस आते हैं, टेबुलर बेस्ड आता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है पेपर। तो चलिए बात करें डेटा सफिशियंसी की। ये वही डेटा सफिशियंसी है रीजनिंग वाली, लेकिन इसमें अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट डाल के अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो ये डेटा सफिशिएंसी क्यूटी में भी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस में 2-3 क्वेश्चन तो इसके आते ही आते हैं, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पिछले 1-1.5 साल से, 2 साल से, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आता था, लेकिन पिछले 2 साल से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। नंबर सीरीज में से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, या तो मिसिंग नंबर होता है या क्या कहते हैं 5 नंबर दिए हैं, छठा नंबर क्या होगा, तो या तो रॉन्ग जो नंबर है वो फाइंड कीजिए सीरीज में से, बहुत
आसान और बहुत ही जल्दी से जल्दी आप 30-40 सेकंड में क्वेश्चंस को पूरा कर लेते हैं। इसके अप्रॉक्सीमेशन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SBI PO में भी आया था इस बार, तो अगली बार अभी जो IBPS का आने वाला पेपर है उसमें अप्रॉक्सीमेशन के आने के बहुत अच्छे चांस हैं। अरिथमेटिक में आप बात कीजिए एजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज स्पीड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रेशियोज एंड पार्टनरशिप, इन सब में से एक एक दो दो जो मार्क के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। इंग्लिश में वही एरर स्पॉटिंग आपको देखने को मिलेगा, एरर स्पॉटिंग आएगा, 5 से 10 क्वेश्चंस जो है प्री में, तो वैसे 10 क्वेश्चंस ही आ जाते हैं एरर स्पॉटिंग के, या तो एरर स्पॉटिंग होता है या फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है। अगर एरर स्पॉटिंग होता है तो फ्रेज रिप्लेसमेंट नहीं आता, तो आते हैं तो 10 क्वेश्चन ही आते हैं नॉर्मली। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क का आता है, उसमें से 2 या 3 मार्क आप कह लीजिए वो कैप के होते हैं। पैरा जंबल्स मीन्स का ही टॉपिक है, प्री में बहुत कम आता है, थोड़े उथल पुथल करके रखे होते हैं सेंटेंसेस, आपको प्रॉपर सीक्वेंस मटेरियल लिखने होते हैं। क्लोज टेस्ट अगर ये एरर स्पॉटिंग और फ्रेज रिप्लेसमेंट नहीं आया तो 10 मार्क का ही आता है और बहुत आसान होता है। फिलर्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, सिंगल और डबल फिलर्स आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, जैसे कि आपने बचपन में भी 9th 10th में करे होंगे, बहुत आसान होते हैं। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इन तीनों में से एक जो है टॉपिक में से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर एक टॉपिक पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ और जिन टॉपिक्स पे रहती है उन पे हम बना रहे हैं, मेरे कुछ साथी हैं, मेरे कुछ साथ मेरे काम करने वाले लोग हैं, वो हम सभी मिलके टीचर्स बहुत अच्छा मटेरियल बना रहे हैं और अपने बैंक एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर रहे हैं। तो अगर बात करें आपको कौन कौन से न्यूज़पेपर फॉलो करने चाहिए, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बिना न्यूज़पेपर के नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। द हिंदू पढ़िए, अगर द हिंदू नहीं पढ़ी जा रही या मिल नहीं रही तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट GK डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप है ये, हम सब लोगों ने मिलके यहां पे टीचर्स ने बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल, वीडियोस, नोट्स हम सब इस पे शेयर करते हैं। ये एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल कीजिए और बहुत अच्छे से अच्छे नोट्स को डाउनलोड कीजिए, राइट। तो जरूर GK डाइजेस्ट गूगल प्ले पे वैसे ढूंढ लीजिए, नहीं तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूं, प्लीज इंस्टॉल कीजिए। तो जनरल अवेयरनेस का एक सिलेबस बताना रह गया, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। जनरल अवेयरनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है करंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में, अगर आप इंटरव्यू की बात भी करें तो सारी ज्यादातर इंटरव्यू, सारी की सारी इंटरव्यू करंट अफेयर्स पे ही डिपेंडेंट होती है। उसके बाद बात करें स्टैटिक GK की, स्टैटिक GK में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक GK का मैंने कैप्सूल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देने वाला हूं। बैंकिंग अवेयरनेस का भी मैंने कैप्सूल बनाया हुआ है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो लेटेस्ट RBI की पॉलिसीज होती हैं, आप कह लीजिए इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे RBI, SEBI, IRDA, FSDC, इनकी क्या क्या पॉलिसीज हैं, इन्होंने क्या कौन कौन सी रिपोर्ट पर काम किया है, क्या इनका इनके बारे में कह लीजिए इनके बारे में कुछ भी न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, इनका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इनका हेड कौन है, कौन कौन सी कंट्री मेंबर कंट्रीज हैं इनकी, तो ये सब क्वेश्चंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहता है, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, उसमें इंडिया का कौन सा रैंक है तो उसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एब्रीवेशंस ऑफ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी आ जाती है, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाता है, बैंकिंग टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मुद्रा स्कीम क्या है, स्वच्छ भारत सेस क्या है, ये सब इन सब के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एंड उसके बाद कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट से रिलेटेड स्कीम्स कौन सी हैं, आई मीन गवर्नमेंट की स्कीम्स जो बैंकिंग एंड इकोनॉमी से संबंध रखती हैं, डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, चाहे फिल्म अवार्ड्स की बात करें, चाहे पद्मा अवार्ड्स होते हैं, नेशनल लेवल अवार्ड्स हैं, भारत रत्न है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको मिला, किस रीजन के लिए मिला, जरूर पढ़ें। स्पोर्ट्स इवेंट्स, जो अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं कंट्री में, अपनी कंट्री में या इंटरनेशनली, उसमें कौन जीता, कौन हारा, कहाँ हुए थे, ये सब। इंटरनेशनली कुछ भी इवेंट होता है, तो चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे पॉलिटिकल इवेंट हो, चाहे इकोनॉमिक फोरम हो, जैसे G5, G7, G20, ऐसे कोई भी इवेंट हुए हैं, तो ये सब के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग बैंकों के CMD कौन है, उनका हेड ऑफिस कहाँ है, बैंक्स की नई नई स्कीम्स क्या हैं, नई नई एप्लीकेशन निकाली हैं, उसके बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कैप्सूल जो है कंप्लीट, कोई भी, वैसे तो IBPS PU का मैं IBPS हर साल, पिछले 5 सालों से मैं IBPS PU का GK डाइजेस्ट बोलता हूँ मैं, ऐसे IBPS PU GK डाइजेस्ट जो है हर साल का, वो मैं एग्ज़ाम से बिल्कुल 15 दिन पहले मैं रिलीज़ करता हूँ। प्लीज़ डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है bankexamstoday.com पे। तो चलिए कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें, मीन्स में 20 मार्क का आता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम में बिल्कुल पहले तो बेसिक से बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछा जाता है, तो बिल्कुल बेसिक हो जाता है। और हार्डवेयर की बात करें, बेसिक ऑफ हार्डवेयर की बात करें, तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ये सब पहले पहले आप थोड़ा बहुत पढ़ लें, पहले आता था ज़्यादा, अभी थोड़ा कम हो गया है ये। विंडोज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूंगा, यहाँ पे टॉपिक है MS ऑफिस के बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, शॉर्टकट कीज के बारे में बहुत पूछा जाता है कि कट पेस्ट की कौन सी शॉर्टकट की है, या इमेज इंसर्ट, या बहुत सारे हाइपरलिंक डालने का शॉर्टकट की। आपको शायद अभी भी पता नहीं होगा कि हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही आता है कि सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है, चाहे आपने बहुत बार किया हो लेकिन आपको याद नहीं रहता, सेलेक्ट ऑल की Ctrl+A होता है, तो ये शायद आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, हिस्ट्री की फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर लैंग्वेजेस की भी जनरेशन है, वो सब इसमें आते हैं। इंटरनेट की टर्म्स एंड सर्विसेज, वेरियस टर्म्स हैं, और वेरियस सर्विसेज लाइक जीमेल, स्काइप, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि स्काइप का क्या काम है, एंड्रॉयड क्या है, वैसे तो आप सबको पता होगा लेकिन इस सब के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए कि कैसे काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे काम करता है, विस्टा कब आया था, XP जो है विस्टा से पहले आया था या बाद में आया था, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। और जो IT सेक्टर की अपडेट्स हैं वो भी कई बार आ जाती हैं, व्हाट्सएप की ओनरशिप किसके पास है, या फेसबुक का एक प्रोग्राम आया था, फ्री बेसिक्स करके कुछ प्रोग्राम आया था, बहुत बवाल हुआ था, वैसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज भी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्क टोपोलॉजी, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो कम्युनिकेशन, TCP/IP वगैरह के भी बारे में आ जाता है, OSI मॉडल के बारे में, 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। DBMS के बारे में बेसिक्स पूछ लिए जाते हैं, DBMS क्या है, RDBMS क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा एक ई बुक भी बनाया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। नेटवर्क सिक्योरिटी अभी आज की डेट में बहुत हॉट टॉपिक है, नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके बारे में भी मैं और एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम लेवल के हिसाब से, नॉट हम न्यूज़ नहीं बना रहे हैं लेकिन एग्जाम के हिसाब से हम नेटवर्क सिक्योरिटी को एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए। तो रिकमेंडेड बुक्स अगर मैं बात करूँ, RS अग्रवाल या एम टायरा की बुक्स, बेसिक्स के लिए पढ़नी है, बिल्कुल शुरू करना है तो वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे एंड पे अगर मैं अपनी बात करूं तो प्रेप किट हम एक बनाते हैं, प्रेप किट, स्मार्ट प्रेप किट, प्रेप स्मार्ट प्रेप किट .bankexamstoday, यहां पे आप जाएं और डाउनलोड कर लें स्मार्ट प्रेप किट, बहुत अच्छा हमने नोट्स बनाया हुआ है, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, एक बार आप जरूर देखें, स्मार्ट प्रेप किट जो है यहां से डाउनलोड कर लें। बाकी QT के लिए
अच्छी बुक्स की बात करूं तो बेसिक्स तो आप इंटरनेट से ही पढ़ लें। इंटरनेट से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। आरएस अग्रवाल टाइप की बुक्स ना पढ़े, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है और अच्छी लेवल की बुक्स पढ़नी है तो एक सर्वेश कुमार वर्मा की बुक आती है, सर्वेश कुमार वर्मा की बुक आती है, ये बहुत अच्छी बुक है। आरएस अग्रवाल एमटायरा से बिल्कुल दूर रहें, दूरी बनाए रखें। इंग्लिश के लिए मैं नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंग्लिश के नोट्स हमने खुद ने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, prepkit.bankexamtoday.com पे अवेलेबल है। इंग्लिश के भी नोट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे क्यूटी मेड इजी, तो ये हमारी पूरी टीम ने बनाई है, बुक्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। अगर बात करें कि अगर आपको कुछ कोर्स चाहिए तो प्रॉपर तरीके से आपने तैयारी करनी है तो gkdigest.com पे जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे, यहाँ पे जाइए साइन अप कीजिए, फ्री में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। वैसे अभी हम IBPS PO का भी कोर्स निकालने वाले हैं, यहाँ पे जाइए फ्री में बहुत अच्छे कोर्स मिलेंगे, साइन अप कीजिए, देखिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरा एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जो भी चाहिए यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए अभी मेरी तरफ से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको। पहला टिप तो ये है कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन मत करें, नो कोचिंग, बुरे कोचिंग सेंटर ज्वाइन मत करें। कुछ एक अच्छे कोचिंग सेंटर्स भी हैं, नो से नो टू बैड कोचिंग सेंटर्स, बुरी कोचिंग बिल्कुल मत लगाएं अपने 7-8 हज़ार रुपये, बिल्कुल वेस्ट मत करें। अच्छी किताबें खरीदें, डेटा पैक डलवाएं, हम लोगों की वीडियोस देखें, फ्री में हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये सब आप बिल्कुल कोचिंग से दूर रहें। और जो बुक्स हैं, बुक्स का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छी बुक्स को ही फॉलो करें। RS अग्रवाल एंटारा, बहुत बुरी बुक्स भी हैं मार्केट में, उनको फॉलो नहीं, बुरी नहीं कह सकता, लेकिन बहुत बेसिक लेवल की हैं और रेगुलरली अपडेट नहीं हो रही हैं। तो ये मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कह लीजिए टिप है मेरी तरफ से। इंटरनेट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, करंट अफेयर आप कहाँ से करेंगे, इंटरनेट से ही करेंगे। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, हम जीके डाइजेस्ट आपको दे रहे हैं, जीके डाइजेस्ट एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत मतलब बहुत कंपटीशन है अच्छे से अच्छा कंटेंट फ्री में देने के लिए, बहुत एक अच्छी बात है। इंटरनेट का ज़रूर इस्तेमाल करें और अपडेटेड रहें, बिल्कुल अपडेटेड। आपको पता होना चाहिए कि मतलब इंटरनेट का यूज़ करें, कोई फ्रेंड आपको नहीं बताने वाला, कोई आपको कोई नहीं बताने वाला, आपको इंटरनेट का हक खुद से ही देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम की डेट क्या है, कौन से एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप ये वीडियो ऑलरेडी देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपने इस अपनी सक्सेस की तरफ आपने चलना शुरू कर दिया है। अपने दोस्तों मित्रों पे डिपेंडेंट मत रहें, इंटरनेट पे अपडेटेड रहें, यूट्यूब आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, ब्लॉग्स, PDF सबको मिलेंगे। इवन आप डिस्क्रिप्शन देखिए, आपको इतने अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आप किसी कोचिंग सेंटर में खुद से ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इवन हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग अच्छे टीचर्स जो हैं इंटरनेट पे आज की डेट में पढ़ा रहे हैं, PDF प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये सब डाउनलोड कीजिए, अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल में थोड़ा डेटा पैक दिलवा के रखिए, 5-7 हज़ार जो आपने कोचिंग सेंटर को देना है उससे बेटर है। मैं आपको कहूंगा कि आप 2-2.5 हज़ार रुपये का इंटरनेट जो है वो 6 महीने में डलवाइए, वैसे भी आजकल इंटरनेट बहुत सस्ता हो चुका है। तो चलिए नीचे आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, नीचे यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा लाल रंग का, प्लीज उसे दबाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम और वीडियोस नहीं बनाएंगे। तो मेरा नाम है रमनदीप सिंह, ये रहा मैं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह और मैं फाउंडर हूँ bankexamstoday.com का, और मुझे पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो rmn@bank, स्मॉल लेटर्स में है सब कुछ, bankexamstoday.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। प्लीज 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 अगर आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज मुझे मेल कीजिए। अगर आपके मन माइंड में कुछ भी और डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स का रिप्लाई बहुत तुरंत करता हूँ, जल्दी करता हूँ। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैं ऑलरेडी फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।
तभी मैं और वीडियोस बनाऊंगा, दिन में दो दो तीन तीन वीडियोस सभी बना पाऊंगा, नहीं तो महीने 10 दिन में एक वीडियो बनाएंगे, राइट। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो आप देख रहे थे IBPS PU की तैयारी कैसे स्टार्ट करें इसके एग्जाम के बारे में। तो आने वाले दिनों में मैं एक एक टॉपिक के बारे में अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।